हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। ओवरहेड्स चैप्टर की लेक्चर सीरीज का ये आखिरी लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम एक मशीन आर रेट का एक और क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़ा सा अलग है लेकिन सेम है। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है और इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा है मशीन आर रेट का या ओवरहेड्स का, या उसके पहले दो चैप्टर मैंने बनाया है मटेरियल कॉस्टिंग और लेबर कॉस्टिंग के ऊपर, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिंग के ऊपर भी चैप्टर वीडियो बनाया है, तो वो सब आप देख सकते हैं। लगभग ऑलमोस्ट थर्ड चैप्टर समझो मैंने थर्ड टॉपिक आप लोग का कवर किया है कॉस्टिंग का। मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, मतलब अभी ओवरहेड्स कंप्लीट करने के बाद आपके बाद दो चैप्टर और हैं, दो टॉपिक्स और हैं जिसका नाम है कॉस्ट शीट और रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उनसे पहले मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर वीडियो बनाना मेरा बाकी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में डिबेंचर्स के ऊपर मैंने चैप्टर पर डिबेंचर्स टॉपिक पर वीडियो बना दिया हूँ, लेकिन शेयर्स का टॉपिक बाकी था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर शेयर्स के ऊपर भी वीडियो बनाइए, तो शेयर्स के ऊपर कवर करूँगा और फिर वो खत्म करने के बाद एक और चैप्टर लूँगा फाइनेंशियल का जो आप लोग बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो मेरा अगर मेरी मेहनत अगर आप लोग को लगती है कि मैंने आप लोग के लिए कुछ थोड़ा बहुत मेहनत किया है तो प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी चीज़ें सीख सकें। जितनी मेरी कोशिश है कि जितना ज़्यादा एजुकेशन फ्रीली प्रमोट कर सकूं उतना कोशिश मेरी है प्रमोट करने की। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूं मैं, वहां से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक है तो आपके पास बहुत अच्छी बात है, कोई और यूनिवर्सिटी के हैं, कोई और बोर्ड के हैं, कोई और टॉपिक के हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको ये टॉपिक आपके सिलेबस में है ओवरहेड के अंदर मशीन आर रेट, तो सबके लिए यूजफुल है। जरूरी नहीं कि टीवाई बीकॉम के लिए ही ये वीडियो है, सबके लिए वीडियो है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर फ्लैश करता हूं मैं। कैलकुलेट द मशीन आर रेट ऑफ मशीन नंबर 10। तो मशीन आर रेट निकालने बोला है और कौन सी मशीन, मशीन नंबर 10 बोला है, कुछ भी मशीन हो सकती है, कोई बात नहीं। इंस्टॉल्ड इन अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब हम लोग को उसके इन्फॉर्मेशन दिया, पहले दिया हुआ है सुपरवाइजर सैलरी, तो हम लोग का पहला काम होता है कि हम लोग मार्किंग कर लेते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे आएगी। दो हमारे मेन टॉपिक्स हैं इसके अंदर, स्टैंडिंग या फिक्स्ड चार्जेस और रनिंग चार्जेस। तो ये सुपरवाइजर सैलरी जो होती है स्टैंडिंग चार्जेस में आता है, फिक्स्ड चार्जेस में आता है, तो लिख ले वहां पे SC, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे तो चलेगा। उसके बाद लिखा है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मशीन का होता है, तो जितनी ज्यादा चलेगी उतना ज्यादा उस पर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होता है, इसलिए कहाँ पे आता है, रनिंग चार्जेस में। उसके बाद रेंट है, रेंट हमेशा फिक्स होता है, इसलिए स्टैंडिंग चार्जेस। उसके बाद है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी फिक्स होता है, वो कहाँ पे आएगा आप लोग का, स्टैंडिंग चार्जेस। रनिंग आवर्स ऑफ मशीन 15 आवर्स पर एनम, बराबर है। तो बताया है कि एक साल में मशीन 1500 आवर्स क्या करती है, रन करती है, तो ये कोई अमाउंट नहीं है, इसकी पोस्टिंग कर लोगों मालूम पड़ा, तो थोड़ा सा दिमाग यूज़ करने का कि जो अमाउंट है वो उसकी पोस्टिंग है, मतलब उसका कैलकुलेशन में आएगा ना, ये तो हम लोग का इसमें पोस्टिंग में अमाउंट में नहीं आएगा, ये हम लोग को यूज़ करने के लिए काम आता है, बराबर ना। हम लोग मतलब इसको यूज़ करेंगे, हम लोग दो जगह यूज़ होता है, एक तो हम लोग को जब पर एनम को इसमें कन्वर्ट करना है आर्स में, तो वो हम लोग को चाहिए एक साल का मशीन आर्स, और हम लोग को लाइफ टाइम मशीन आर्स भी चाहिए रहता है, क्यों, क्योंकि हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना रहता है। दोनों काम की चीज़ है, वो मैंने आप लोग को पिछले वीडियोस में बताया है क्या क्या आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो वीडियो देख लो, दो वीडियो और भी बहुत सारे वीडियोस देखना है तो देख सकते हैं। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम। अब जो पावर होता है वो मशीन्स को रन करने के ऊपर लगता है, मशीन रन करने के लिए लगता है, जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको पावर बोलते हैं हम लोग, तो वो भी किस पे रहता है, रनिंग चार्जेस। तो वहाँ पे लिख लो रनिंग चार्जेस। वाटर और स्टीम, ये दो नई चीज़ें हैं जो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन सिंपल सी बात है, जितना मतलब ना बहुत सारी मशीन्स को रन करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, पानी भी यूज़ करते हैं, पानी का इस्तेमाल मतलब बोलते हैं ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कंटिन्यूसली वॉश करते करते बनाते बनाते वॉश करते रहना पड़ता है, ठीक है। तो उसको जैसा भी समझो, अगर चिप्स की फैक्ट्री है तो चिप्स धोते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती है अलग अलग, मतलब आलू को धोते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो वाटर भी मशीन रनिंग के ऊपर आते हैं, तो वो भी किस में आएगा, रनिंग में आएगा, ठीक है ना, मशीन रनिंग चार्जेस में आएगा, याद रखना। स्टीम, स्टीम मतलब भाप लगती है, तो वो भी जितनी ज़्यादा मशीन चलेगी उतना ज़्यादा भाप का इस्तेमाल होता है, तो उधर भी स्टीम के वजह से भी कुछ मशीन चलती है, स्टीम है ना, जो भाप से भी, भाप के पावर से भी कुछ मशीन चलती है, तो वो भी कहाँ पे आएगा आप लोग का, रनिंग चार्जेस में आएगा, ठीक है। चलिए जैसा पावर है वैसे ही वाटर और स्टीम भी रहता है। उसके आगे लिखा है अदर इन्फॉर्मेशन ऑफ मशीन नंबर 10, टाइम डिवोट बाय सुपरवाइजर। सुपरवाइजर ने कितना टाइम डिवोट किया, मतलब इस मशीन को कितना टाइम दिया उसने, तो अपना 1/10 टाइम दिया। तो जहां पे भी सुपरवाइजर की सैलरी, वहां पे क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो, ताकि समझ जाएगा आप लोगों को कि जब सुपरवाइजर सैलरी लेंगे तो उसके ऊपर कोई ना कोई कैलकुलेशन है, क्लियर है। या तो जाके सुपरवाइजर सैलरी पर डायरेक्टली पहले ही लिख दो 1/10, पहले जाके ऊपर लिख दो मार्किंग पे, ठीक है। उसके बाद लिखा है
एरिया ऑक्यूपाइड मशीन, तो एरिया आप लोग की दो चीजों पे असर करता है, एक रेंट पे और इलेक्ट्रिसिटी पे। तो क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है, रेंट है आप लोग का, तो रेंट पे जाके लिख लीजिए कितना लिखा, देखो 1/4, तो जाके 1/4 लिख लीजिए। आगे रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है कितना है, 10 पैसा पर यूनिट, तो एक यूनिट का 10 पैसा, ठीक है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का रेट, मतलब जो पावर जो आप लोग को दिया हुआ है उसका कैलकुलेशन मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बताया आप लोग को, वापस आज बताऊंगा, टेंशन मत लो, तो वो उसके लिए काम आएगा हम लोग को। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, ये तो हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालने काम आता है, तो डेप्रिसिएशन मतलब ये हम लोग का डेप्रिसिएशन, एक और रनिंग चार्जेस आ गया, इनडायरेक्टली देता है डेप्रिसिएशन मोस्टली क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देख लीजिए। कैरेज इनवर्ड ऑफ मशीन, मशीन लाने का चार्जेस, तो इनडायरेक्टली उसको हम समझ सकते हैं मशीन के इंस्टॉलेशन चार्जेस में ही कैलकुलेट किया जाता है उसको, मशीन लाने का चार्जेस। मतलब हम लोग अगर बचपन से अकाउंटिंग अगर अच्छे से समझे होंगे, बचपन से मतलब 11 से, तो हम लोग ने पढ़ेंगे कि मशीन जब तक, कोई भी मशीन या कोई भी असेट जब तक वर्किंग कंडीशन में आती है उसके ऊपर जो भी खर्चा करते हैं वो सब खर्चे को क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज मतलब, एग्जांपल मैंने एसी लिया 50,000 का, 5,000 रुपये उसको इंस्टॉलेशन पाइप वगैरह इस पर खर्चा करा, तो एसी 50,000 नहीं लिखूंगा मैं, मेरे अकाउंटिंग में क्या लिखूंगा, 55,000 का एसी है। तो उसी को, उसी तरह से इसको भी कंसिडर करेंगे, मशीन के कॉस्ट में ही उसको इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद लिखा है स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन, तो वो हम लोग के फॉर्मूले में डेप्रिसिएशन के माइनस होता है, वो भी डेप्रिसिएशन निकालने का काम आएगा। लाइफ ऑफ मशीन, मशीन की लाइफ भी हम लोग को काम आती है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हो गई हम लोग की, अब हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले लिखते हैं हम लोग हमारा सबसे पहला टॉपिक ए जो रहता है हम लोग का स्टैंडिंग चार्जेस, तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स्ड चार्जेस, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, जितना ध्यान दोगे, एक दो वीडियो अगर समझ गया तो बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करना है जो भी आपके टेक्स्ट बुक में है। ये नहीं सोचना कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपकी स्पीड फास्ट होगी, आप लोग को क्लैरिटी आएगी, छोटे छोटे डाउट्स आप लोग को समझ जाएंगे। तो एग्जाम के टाइम पे क्या होगा, जो आप लोग को डिफिकल्ट चीज़ें थी आप लोग उसको हाईलाइट करके रखो और एग्जाम के टाइम पे सिर्फ वही रिवाइज करो, क्योंकि बाकी सब चीज़ें सभी यहाँ पे रेंट आया, रेंट हर क्वेश्चन में रहता है, कुछ अलग चीज़ थी तो उसको हाईलाइट करके रखो ताकि मतलब वो क्वेश्चन का खाली देख लो आप लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस में हम लोग को सबसे पहले दिया था सुपरवाइजर सैलरी, तो हम लोग लिख लेते हैं सुपरवाइजर्स सैलरी, बराबर है। सुपरवाइजर सैलरी कितनी है, 4,500 पर एनम दिया हुआ डायरेक्टली साल का, लेकिन इसके ऊपर क्या बोला था, 1/10 टाइम देता है वो सुपरवाइजर, बराबर ना। तो कन्वर्ट कर लिए हम लोग ने, इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 450। ये कॉलम में ही लिखना है, अभी पर आर में निकाल रहे हम लोग, पर एनम निकाल रहे, साल का 4,500 रुपया है, लेकिन सुपरवाइजर पूरा टाइम ये मशीन को नहीं देता है, सिर्फ कितना देता है, 1/10 टाइम, इसलिए 1/10 कर लिया हमने। नेक्स्ट है आप लोग का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, वो तो आप लोग का कहाँ पर रहेगा, रनिंग चार्जेस में रहेगा, तो उसको बाद में लेते हैं। उसके बाद है रेंट, तो रेंट हम लोग लिखते हैं, रेंट लिखा हुआ है 2,400, तो रेंट पर भी हम लोग ने मार्किंग करके रखे थे कि रेंट जो है एरिया के हिसाब से आता है, और एरिया हम लोग को दिया है 1/4, ये मशीन 1/4 एरिया ही ऑक्यूपाई करती है, तो 1/4 निकाल लेंगे तो आ जाएगा आप लोग का ये 600, बराबर है 4, 6, 24। थर्ड नंबर पे देखिए और कुछ है कि आप लोग का, यस इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस भी हम लोग का रनिंग स्टैंडिंग चार्जेस होता है। इंश्योरेंस कितना, जरा देखिए 150 डायरेक्टली दिया है, 150 पर एनम, उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं है, तो वैसे का वैसे ही। इंश्योरेंस के बाद आप लोग का दिया हुआ है रनिंग आर्स, रनिंग आर्स तो बाद में काम आएंगे आप लोग को, 150। तो इसके बाद दिया आप लोग का रनिंग आर्स, रनिंग आर्स तो आप लोग को बाद में कन्वर्ट करने के काम आता है। इलेक्ट्रिक पावर, पावर आप लोग का कौन सा चार्जेस होता है, रनिंग चार्जेस होता है, वाटर स्टीम रनिंग चार्जेस, लास्ट में जो दिया था डेप्रिसिएशन सब रनिंग चार्जेस, तो मतलब स्टैंडिंग चार्जेस फिनिश हो गए, तो हम लोग टोटल कर लेंगे, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग मतलब फिक्स चार्जेस, टोटल कर लीजिए इसका, इसका टोटल करेंगे तो आप लोग का आ जाएगा 600 और 600 1200, बराबर है। अब ये 1200 पर एनम है, उसको पर आर में कन्वर्ट करना है, तो एकदम सिंपल मैंने बताया था कि जो भी चीज़ हम लोग को दी हुई है, जो भी अमाउंट आएगा उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो कितने, एक साल में, क्योंकि ये एक साल का अमाउंट है ना, तो एक साल के आर्स कितने हैं उससे डिवाइड कर दो, तो एक साल का आर्स देखो मशीन में क्वेश्चन में दिया था, रनिंग आर्स 1500 बराबर ना आर्स पर एनम, तो मशीन जो रन करती है साल में 1500 आर्स रन करती है, तो डिवाइड बाय 1500, तो यहाँ पे हम लोग को क्योंकि एक साल का कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग आर्स में, तो एक साल में कितने आर्स मशीन चलती है उससे डिवाइड करने का जो भी अमाउंट आएगा, क्लियर है। ये थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं, ये इधर नहीं, सॉरी नीचे,
1200 डिवाइड बाय 1500 बराबर है। इसको लिखेंगे हम लोग रनिंग चार्जेस पर आर, क्लियर है। डिवाइड कर लो, 1200 डिवाइड बाय कितना है आप लोग का 1500, आता है आप लोग का 0.8, तो उसको हम लोग 0.8 ही लिखते हैं क्योंकि दो डेसिमल तक मैंने लिखने बोला था आप लोग को, 80 पैसा। ये आ गया आप लोग का स्टैंडिंग चार्जेस, सॉरी यहाँ पे रनिंग लिखा मैंने, इसको लिखना है आप लोग को स्टैंडिंग, बराबर है। फिर बी सेकेंड, अब आएगा हम लोग का रनिंग चार्जेस। ध्यान से देखना, थोड़ी सी चीज़ें अलग है, लेकिन अगर मैं जो लॉजिक दिमाग में बिठा रहा हूँ आपके, हुसा रहा हूँ, वो अगर बैठ जाएगा तो फिर आप लोग को कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब रनिंग चार्जेस में आप लोग के पास सबसे पहले था रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, बराबर ना। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो था आप लोग का डायरेक्टली दिया था 90 पर एनम, लेकिन मैंने आप लोग को बताया था कि जो भी आप लोग के स्टैंडिंग चार्जेस है उसको आप लोग साल पर एनम लिखो, और जो रनिंग चार्जेस को किस में लिखो, पर आर में लिखो, ये मैंने आप लोग को बताया था, बराबर ना। तो अब मैं क्या करूंगा, उसको पर आर में लिखना है। तो सिंपल सी बात है, जो अमाउंट दिया 90, ये पर एनम का है, उसको किस में कन्वर्ट करने का, पर आर में। तो एक साल में कितने आर से उससे क्या कर देने का, डिवाइड कर देने का, क्योंकि हम लोग को ये कॉलम में लिखना है, ये कॉलम के बदले, क्योंकि मैंने आप लोग को बोला था कि स्टैंडिंग चार्जेस को पर एनम में निकालो, रनिंग चार्जेस को पर आर में निकालो। अब वो कैसा क्या, हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से वो सॉल्व करेगा, थोड़ा तरीका अलग फॉलो करोगे तो फिर हर क्वेश्चन में आप लोग को तकलीफ आ जाएगी, सोचना तकलीफ प्रॉब्लम आ जाएगा आप लोग को। अगर आप लोग को समझता है तो डायरेक्टली लिखो, फिर इसका भी ट्रोल करो, उसको फिर लास्ट में डायरेक्टली 1500 डिवाइड करो, ऐसा भी चलेगा। लेकिन मैं सिंपल तरीका हर क्वेश्चन के लिए फॉलो करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को समझता नहीं कब कहाँ यूज़ करना है, 99% स्टूडेंट को, कुछ स्टूडेंट को जो बोलता ना ज़्यादा दिमाग चलता है, इनका बोलता ना बेसिक बहुत अच्छा होता है, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने बताया ये 90 जो दिया हुआ है पर एनम दिया, यहाँ का अमाउंट है, हम लोग को यहाँ का अमाउंट चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, 1500, एक साल का कितने आर्स है उससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय 1500, क्लियर है। तो डिवाइड कर लीजिए, 90 डिवाइड बाय 1500 कितना हो गया, 0.06। उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के बाद आप लोग का दिया था आप लोग का रेंट वेंट तो हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रनिंग चार्जेस, इलेक्ट्रिक पावर, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इलेक्ट्रिक पावर। अब जब पावर आया था मैंने आप लोग को बताया था कि पावर के लिए हम लोग को दो चीज़ें चाहिए, पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, अभी वापस एक्सप्लेन करता हूँ। पावर के लिए चाहिए पहले दो चीज़ें, पहले चाहिए दो पार्ट चाहिए हम लोग को, यहाँ पे यहाँ पे। पहले चाहिए हम लोग को कि एक घंटा अगर मशीन चलती है तो कितना बिल आता है, पहले क्या चाहिए, एक आवर्स मशीन चलेगी तो कितना बिल आएगा, कितना यूनिट बिल आएगा। देखो क्वेश्चन में दिया है क्या, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम 15 यूनिट्स, बराबर ना, तो मतलब पर आर कितना 15 यूनिट्स, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 15। पहले क्या चाहिए, एक आर में मशीन कितना यूनिट पावर यूज करती है, कितना यूनिट कंज्यूम करती है, ठीक है ना, तो लिख दिया 15। अब फिर सेकंड में क्या लिखने का, एक यूनिट का रेट क्या है, तो लास्ट में दिया था देखो रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नीचे इन्फॉर्मेशन में टाइम डिवाइड के नीचे, बराबर ना, एरिया ऑक्यूपाइड मशीन के नीचे 0.10 पर यूनिट, तो 0.10 मतलब 10 पर यूनिट, क्लियर है। तो ये जो अमाउंट दिया है 15 यूनिट्स पर आर का है, तो मतलब डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसको, क्लियर है। तो देखो क्या लिखें, 15 × 0.10 तो हो जाएगा आप लोग का 1.5, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इसको, 1.5 रुपये आ गया, क्लियर है। क्योंकि ये जो हम लोग को दिया है 15 पर आर का दिया, पर एनम का नहीं दिया है, तो डायरेक्टली वहाँ कन्वर्ट हो गया। इसको डिवाइड करने के 1500 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर आर का ही था, वो पर एनम का था, क्लियर है। चलिए आगे आते हैं, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया, अभी आते हैं थर्ड। थर्ड आप लोग के पास दिया था वाटर, तो लिखते हैं वाटर। वाटर का अमाउंट दिया है 150, लेकिन 150 पर एनम है, बराबर ना, हम लोग को उसमें किस में चाहिए, पर आर में चाहिए, तो डिवाइड कर लेंगे किससे, 1500 से, क्योंकि साल का जो आर से वो 1500 है, वो हम लोग निकाल चुके पहले, तो डिवाइड कर लो, फिर 150 डिवाइड बाय 1500 तो कितना आता है, देखिए 0.10, तो यहाँ पे लिख लीजिए 0.10। वाटर हो गया। फोर्थ जो है आप लोग का स्टीम है, तो स्टीम लिखते हैं, स्टीम मतलब भाप, बराबर है। तो कुछ चीज़ें बनाने के लिए भाप लगती है, या मशीन को रन करने के लिए भी स्टीम यूज़ होता है, तो 225 रुपीज़ पर एनम दिया हुआ है,
तो ये भी पर एनम है, इसको भी आर्स में कन्वर्ट करना है, तो एक साल के आर्स कितने हैं 1500, उसे डिवाइड कर लीजिए। पर आर में दिया तो फिर टेंशन है, डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन पर एनम में दिया तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो 225 डिवाइड बाय 1500 आता है आप लोग का 0.15। तो ये हो गया आप लोग का स्टीम। एक बचा, बहुत लोग स्टूडेंट को भूल जाते हैं, क्या बचा? डेप्रिसिएशन। वो तो हम लोग को इनडायरेक्टली दिया हुआ ना, उसका कैलकुलेशन हम लोग को करना है, बराबर है। अब उसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है तो हम लोग उसका फॉर्मूला लिखेंगे पूरा। पहले क्या था हम लोग का फॉर्मूला, पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है आप लोग का? पहले है आप लोग का कॉस्ट ऑफ मशीन। पहले क्या है? कॉस्ट ऑफ मशीन। तो मशीन का कॉस्ट क्या था जरा देखो, क्वेश्चन में दिया था ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन 35,000, तो लिख लेता हूँ मैं 35,000। फिर उसके बाद था इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो ये क्वेश्चन में इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं दिया हुआ है, मशीन लाने का चार्जेस दिया हुआ है। तो देखो कितना दिया हुआ है, 5,000। तो मैंने बताया भी था कि ये कैपिटलाइज होता है मशीन, जब तक कोई भी असेट, मशीन नहीं कोई भी असेट जब तक इंस्टॉल होकर चालू नहीं होती है, उसका जो भी खर्चा रहता है उसके कॉस्ट में ही ऐड किया जाता है। तो इसको 5,000 बराबर है। फिर लेस स्क्रैप वैल्यू, तो क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दी थी, यस। कितना दिया हुआ है? 10,000। तो ये माइनस 10,000, क्लियर है। नीचे था हम लोग का एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इन आर्स, तो मशीन की जो लाइफ है वो कितना है? 10 साल है। क्वेश्चन में दिया, देखो जरा, देखो 10 ईयर्स बराबर ना, लेकिन हम लोग को किस में चाहिए? वो आर्स में चाहिए। तो एक साल का हम लोग को मालूम है कितना है? 1500। तो 10 साल का कितना हो जाएगा? 15,000 इनडायरेक्टली, बराबर ना। एक साल में मशीन 1500 आर्स चलती, लिखा था हमने क्वेश्चन में, तो 10 साल उसकी लाइफ है, तो 10 साल में कितनी चलेगी? 15,000। तो इसका मतलब नीचे हम लोग को चाहिए रहता है कि उसकी लाइफ टाइम में मशीन कितने आर्स चलेगी, क्लियर है। चलो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर आएगा 35 + 40 - 10 = 30। 30,000 डिवाइडेड बाय नीचे है 15,000, तो आता है आप लोग का 2। तो ये आ गया आप लोग का 2 रुपीज, बराबर है। ये आप लोग लिख देंगे यहाँ पे, डेप्रिसिएशन आ गया आप लोग का 2, तो 2.00, क्लियर है। ये आप लोग का, ये आप लोग ने पूरा सॉल्व कर दिए। उसके बाद आप लोग इसको टोटल करेंगे, टोटल करिए, देखिए कितना आ जा रहा, 0.06 + 1.50 + 0.1 = 0.15, और ये हो गया आप लोग का 1.5 + 1.015 = 2.0, तो आ गया आप लोग का 3.81, बराबर है। और 3.81 में ऊपर वाला भी प्लस करना है आप लोग को, तो 3.81 + 0.80, तो सब मिला के होगा 4.61। ये हो गया आप लोग का सी मशीन और रेट, बराबर है। तो आ गया आप लोग का मशीन आर रेट कितना आ गया? 4.61, मतलब 4.61 रुपये आप लोग को कॉस्ट आएगा अगर ये वाली मशीन एक घंटा चलती है। तो कैसे आया ये सबका टोटल, साथ में ये भी टोटल करना है, तो पूरा टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 4.61। तो ये हो गया आप लोग का मशीन आर रेट का टॉपिक फिनिश। कुछ छोटे मोटे डाउट है तो आप लोग को मैंने बोला है कि टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो मेरे स्कॉलर जिला चैनल पेज को फॉलो कर लीजिए। वहाँ से भी आप लोग कुछ अगर नॉर्मल डाउट है तो पूछ सकते हैं, ज़्यादा स्पैम मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे काम्स होते हैं और सबको रिप्लाई देना एक साथ इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप लोग के सपोर्ट के लिए, आप लोग के क्या बोलते हैं, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला टॉपिक लेके। अगला टॉपिक मतलब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे जा रहा हूँ, जैसे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक टॉपिक छोड़े थे जिसका नाम था डिबेंचर्स। हम लोगों ने डिबेंचर्स के इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कर चुके थे, शेयर्स की बाकी थी। तो शेयर्स के कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और एक दो वीडियो सॉल्व करूंगा ताकि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग शेयर्स का किस तरह किया जाता है। वो खत्म करने के बाद आप लोग का बहुत फेवरेट टॉपिक जो आप लोग बार बार रिपीट कर रहे हो, बायबैक ऑफ शेयर्स। हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग से कि बहुत लोगों ने मुझसे ये बोला कि सर फाइनल अकाउंट पर वीडियो बनाओ, फाइनल अकाउंट पर वीडियो बनाओ। फाइनल अकाउंट पर वीडियो बनाना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उसका क्वेश्चन बहुत बड़ा है। जैसे मैं यहाँ पे साइड में होता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन में फ्लैश करूँगा तो वो क्वेश्चन ही रहेगा, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन है वो, मैं बोलना स्क्रीन के बाहर जाना पड़ेगा, फिर उसको मैं लाऊं, फिर वापस से सॉल्व करूँ। तो आप लोग ने अगर देखें उसका सोल्यूशन, तो इतने से फ्रेम में, वो दो फ्रेम में वो क्वेश्चन कम्प्लीट नहीं होगा। उसके लिए बहुत बोलना ना, बहुत बड़ा बोर्ड चाहिए, और फिर छोटा छोटा लिखूंगा तो आप लोग को दिखेगा भी नहीं, बहुत सारे मसले हैं उसमें। और बोलते ना ये एक फ्रेम होगा नहीं, दो बार बोर्ड चाहिए मुझे, मतलब ये ना 4 कॉलम चाहिए ऑलमोस्ट,
उससे ज़्यादा भी लगते हैं, तो इतना पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अगर कुछ हो सकता है तो उसमें कोशिश करूंगा, लेकिन अभी पहले मेरा टारगेट जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग और बाय बैक ऑफ शेयर्स, वो फिनिश होने के बाद देखेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग बोलते हैं स्नैपशॉट के लिए टाइम नहीं देता हूं, तो एंड में देखो मैं टाइम दे रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग स्क्रीन उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।